रामायण में मंदोदरी की कहानी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना जिक्र है कि वे मायासुर और हेमा की संतान थी। हालांकि उत्तर रामायण में मंदोदरी की सौंदर्य और उनकी सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी मंदोदरी के बारे में विस्तार से लिखा गया है। जैसे अद्वितीय रामायण में मंदोदरी को सीता की माँ बताया गया है। इसी में जिक्र है कि सीता की हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी कैसे अपने पति रावण की मौत का कारण बनी। अद्वैत रामायण की कथा के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी गत सामदा सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था ताकि वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तब के ही क्रम में साधु धूप से निकले दूध को एक पात्र में जमा करता, उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करता। साधु को विश्वास था कि इसमें लक्ष्मी उसमें आ बसेंगी। रावण ने अपनी दुष्टता में साधु के दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। मंदोदरी को ये बात पता चलने पर उसे गुस्सा आ गया। उसने तय किया कि वो खून से भरे उसी पात्र में डूब कर जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वो पात्र किसी जहर से भी ज्यादा जहरीला था। मंदोदरी खुदकुशी के इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने के बजाय गर्भवती हो गई। इसकी वजह कुंड में मिला दूध था। मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ। उसने भावी संतान को कलंक मानते हुए उसे कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना दिया। यही वो जगह थी जहाँ राजा जनक को खेती करते हुए देवी सीता संतान के रूप में मिली। रामायण के एक और संस्करण देवी भार्गवा पुराण में जिक्र है कि मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित रावण जब उससे विवाह की सोचता है तब उसे चेतावनी मिलती है कि शादी से जन्मी पहली संतान उसके विनाश का कारण बनेंगी। रावण चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है, मंदोदरी से ही विवाह करता है। बाद में उसकी गर्भ से जन्मी पहली संतान को खुद रावण ही कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना आता है। यही बच्ची सीता बनी और रावण की मौत का कारण भी। रामायण के जैन संस्करणों जैसे वासुदेव हिंदी और उत्तर पुराण में भी मिलता जुलता प्रसंग है। इनमें भी बताया गया है कि सीता रावण की मंदोदरी की पहली संतान थी और इसीलिए दफना दी गई क्योंकि रावण को अपनी मृत्यु का डर था। एशिया के कई देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड में बोली जाने वाली भाषा मलय में लिखी गई रामायण मेर सेरी राम में भी सीता इसी तरह से दिखाई गई हैं। रामा केलिंग भी कहती हैं कि सीता असल में रावण की पुत्री थी। आनंद रामायण के अनुसार राजा प्रसन्न की एक बेटी थी जिसका नाम पद्मा था। वे देवी लक्ष्मी का अवतार थी। जब उनकी शादी का आयोजन होता है राक्षस उनके पिता को मार देता है। दुखी पद्मा आग में कूद जाती हैं। रावण को उसका शरीर मिलता है जो पांच रत्नों में बदल गया था। वो उसे एक पेटी में बंद करके लंका ले जाता है। मंदोदरी पेटी खोलने पर देखती है कि भीतर पद्मा है। मंदोदरी अपने पति को पेटी को खुद से दूर करने की सलाह देती है। उधर पेटी में बंद पद्मा रावण को श्राप देती है कि वो दोबारा लंका लौटेगी और उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। डरा हुआ रावण पेटी को जनक की नगरी में गाड़ आता है। वहीं राजा जनक को पद्मा सीता के रूप में मिलती हैं। एक और कहानी में जिक्र मिलता है कि एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा ने वरदान मांगने को कहा तो रावण ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने इस पर असमर्थता जताते हुए वरदान दिया कि रावण को सिर्फ एक खास तीर से मारा जा सकेगा। वो तीर भी ब्रह्मा ने खुद रावण को सौंप दिया। प्रसन्न रावण ने तीर अपने सिंहासन के पीछे छिपा दिया और केवल मंदोदरी को ये बात बताई। राम रावण युद्ध के दौरान विभीषण भगवान राम को ये तो बता सके कि रावण की मृत्यु उसकी नाभि में तीर मारने से होगी, लेकिन वो तीर कहाँ है इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। यही पता करने के लिए हनुमान जी ज्योतिष का रूप धारण कर लंका पहुंची और मंदोदरी से मिली। ज्योतिष के असल रूप और मकसद से अनजान मंदोदरी के मुँह से गलती से तीर का राज निकल गया। इसके बाद हनुमान ही वो तीर लेकर राम के पास लौटे और अगले दिन युद्धभूमि में रावण मारा गया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.